हेलो गाइस, तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए निकल चुका हूँ अपने घर से। तो अभी मैं पाली के थोड़ा आगे, अभी यहाँ पे बस ने होल्ड किया, तो आप ओके पे हो तो आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत ही लंबा है और ये बस भी खड़ी है जिस बस में मैं आया हूँ। तो सफ़र बहुत लंबा है, तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बस भी बहुत बड़ी मुश्किल से मिली है, जो टिकट बुक किया था वो बस तो आई भी नहीं, क्योंकि होली के कारण वो बस कैंसिल हो गई थी। तो अभी पूरा सफ़र देखते हैं, सुबह तक पूरी वीडियो और भी बनाएंगे और कल सुबह मॉर्निंग को सीधे जयपुर में मिलेंगे। ओके गाइस, जहाँ पे बस ने होल्डिंग की है वहाँ पे जो होटल और बस जिस बस में मैं वो बस यहाँ पे खड़ी है। तो इतनी यहाँ पे होटल पर काफ़ी भीड़ रहती है, पर अभी इसमें कोई भीड़ इतनी होटल पर नहीं है, तो होली के कारण इसमें भीड़ भी आज नहीं होटल पर। तो यहाँ पे गाइस बस रवाना हो चुकी है जयपुर के लिए, तो अभी सीधे हम जयपुर में मिलेंगे। गाइस जयपुर तो पहुंच गया मैं, अभी मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है बस के साथ। बस मिलेगी मुझे थोड़ी दूरी यहाँ से, 500 मीटर दूर से मुझे यहाँ से बस मिलेगी। तो बस के तक जाते हैं, फिर वहाँ से सीधे एग्जाम सेंटर जाऊँगा मैं, तो आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। तो सुबह मैं जयपुर में 5 बजे लगभग पहुंच गया था, तो वहाँ से वापस मुझे पैदल लगभग कुछ 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी थी, कि वहाँ से मुझे बस मिल गई थी। और फिर आप देख सकते हैं एग्जाम सेंटर में लगभग स्टूडेंट की काफ़ी भीड़ है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट ने फर्स्ट पारी में एग्जाम दिया है। कॉम्पिटिशन बहुत टाइट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बहुत ही ज़्यादा है एग्जाम देने में। आप देख सकते हैं भीड़ की काफ़ी, कितनी सारी भीड़ लगी हुई है एग्जाम सेंटर जयपुर आर्य इंजीनियर कॉलेज, जो कुकस शहर के पास ये कॉलेज है, जहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट की ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस मैं सिंधी कैंप जयपुर में मैंने रूम ले लिया, तो रूम पे मैं आके एग्जाम देने के बाद सीधा रूम पे आया। तो रूम पे देखता हूँ जिसमें टीवी वगैरह सब, टीवी भी है, टीवी वगैरह भी हम देख सकते हैं, लैट्रिन बाथरूम सब इसमें अटैच है। तो फुल एंजॉय इन एग्जाम इन जयपुर।